सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू नेचर बिल्डिंग फिटनेस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज है हमारे रोड टू मिस्टर पुशअप का थर्ड डे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने डे 3 की जर्नी। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। और उसके अलावा जिसने हमारे रोड टू मिस्टर पुशअप के पहले दो एपिसोड नहीं देखे, ऊपर आई कार्ड में और नीचे उसका लिंक दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है 4:19। अभी हम नमाज पढ़ के आए हैं और आप लोग जानते हैं कि मैंने क्या काम करना है। थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, देन पुशअप लगाते हैं, देन आगे बात करते हैं। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it. So guys, ye ho gaye hamare 50 push-up pure. सुबह से लेके अब तक हमारी रूटीन इतनी खास नहीं रही, क्योंकि सुबह कुछ काम भी थे और कल हमने 250 पुशअप लगाए थे, आपको याद होगा, और हमने शाम को जाके पुश वर्कआउट भी किया। तो दैट्स वाई मेरी चेस्ट काफ़ी फटीग हो गई थी, तो मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी बॉडी जो सी है ज़्यादा डैमेज हो जाए, तो मैंने आज उसको रिकवरी दी। आगे की रूटीन शेयर करने से पहले मैंने कुछ बात डिस्कस करनी थी आपके साथ। जो अप्रोच मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी अपने पुशअप्स को बढ़ाने के लिए, आप लोग देख रहे हैं, ये अप्रोच मसल बिल्डिंग के लिए या फिर जो सा है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एक सही अप्रोच नहीं है। मेरे पास टाइम कम है, वैसे ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने साथ, कुछ देर के लिए करना है मैंने, फिर मैंने छोड़ देना है इसको। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये बाकी कारामद है या नहीं है, उस चीज़ के लिए सीरीज़ बन रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे एट द एंड कि हमें कितना इसका बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट है भी या नहीं, नुकसान मिलता क्या होता क्या नहीं होता। तो उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए पहले सीरीज़ देख लें, मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ उसको फॉलो करें, लेकिन एक लिमिट में रह के, ठीक है। अगर मैं 250 लगाऊँ तो आप 100 लगाएं, बेशक आपकी लिमिट जो से मेरे बराबर ही है, ताकतवर जो से हैं, अच्छे खासे ताकतवर भी हैं, तब भी आप अपनी लिमिट से थोड़ा कम ही रख के इसको लेके चलें। जब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, देन हम इसके बारे में बात करेंगे कि वाकई ये करामत हमारे लिए थी या नहीं थी, कि आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो गाइस, अब बात करते हैं कि हम जो हमारा दिन बच गया उसमें हम क्या करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:35, अभी मगरिब का टाइम होगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आएंगे, कोई पुशअप नहीं लगाएंगे। ईशा की नमाज़ पढ़ के आएंगे, कोई पुशअप नहीं लगाएंगे, सुकून से अपने काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आज हम जिम जाएंगे, जिम में हमारा जो भी वर्कआउट होगा उसको हम जो सा है परफॉर्म करेंगे, और अपने वर्कआउट के एंड पे 3-4 सेट बेंच प्रेस के लगा लेंगे, ठीक है। आप लोग भी सेम यही वाला काम करें जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन लिमिट में रहेगा। सो प्लीज सबर कराए।